हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रेम जी। और मैं हूं प्रेम, और आज मैं आप लोगों को एसी में वाटर लीकेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो एसी में फ्रेंड्स, अगर आपके यहां एसी में वाटर लीकेज होता है तो आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेक्नीशियन को बुलाए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं किस तरह से आप अपने एसी के वाटर लीकेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस एसी में पानी चूने की समस्या है। यह कैरियर का एसी है और इसमें प्रॉब्लम यह है, कस्टमर ने शिकायत किया था कि रूम के अंदर में पूरा पानी चू रहा है। तो चलिए आज हम लोग इसको दिखाते हैं कि कैसे इसमें पानी चूने की समस्या को ख़त्म किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका जाली को निकाल लीजिए बाहर में, और इसमें जितने भी स्क्रू दिए हुए हैं सबको फटाफट से खोल लीजिए। इसमें ज़्यादा स्क्रू रहते नहीं हैं तो बहुत ही आसानी से यह खुल भी जाता है। तो सबसे पहले इन सभी स्क्रू को हम लोग खोल ले रहे हैं, और स्क्रू खोलने में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करके कट कर दे रहा हूँ। और इस तरह से लॉक रहता है, यहाँ से लॉक आपको छटकाना होगा। जब ये छटक जाएगा तो नीचे से पकड़ के हल्का उठाइएगा तो ये खुल जाएगा, और ऊपर में भी दो लॉक रहता है। तो ऊपर में लॉक कैसा रहता है आप लोग देखिए, ये इस तरह का लॉक रहता है। इसको यहाँ से ऐसे छटका के हटा लेना है, और जब ये खुल जाए तो एक तार से जो ड्रेन पाइप है उसके अंदर में खूब ऐसे करिए, खूब उसमें ऐसे करने से उसका कचड़ा जो है निकल जाएगा बाहर। और पानी देखिए हमारा इस तरह से आ रहा है, और हम यहाँ पे अंदर में इंडोर में पानी डाल रहे हैं बोतल से, और वो बाहर में देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है। तो जब ये खुल ही गया है तो इसका जाली वाली को अच्छा से एकदम झाड़ लीजिए, और झाड़ करके और इसको ऐसे वापस से सेट कर दीजिए। तो इसको आप अपने से भी कर सकते हैं, और अगर किसी को मिस्त्री को बुलाइएगा। तो जैसे वाटर लीकेज का समस्या के लिए अभी 550 रुपये चार्ज है, तो वो लेंगे तो इसे आप खुद से भी कर सकते हैं।